क्रेडिट कार्ड बनवा करके लोन ले लिया है। लड़की का नाम विशाल सिंह, जो हमारे लड़के का नाम विशाल सिंह है, वो बहुत दुखी थे। उसे कैमरे में रखा, कैद करके रखा गया है, न पानी सोच पा रहा है, न खाना दे रहे हैं कभी काल। तो सुना आपने, कैमरे के सामने लगता हुआ एक बाप अपने बेटे को दुबई से छुड़ाने के लिए भारत सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहा है। बीते 10 दिनों पहले ही इस व्यक्ति ने जहां जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र को अपने बेटे को दुबई में छुड़ाने के लिए गुहार लगाई है, वहीं अभी तक शासन स्तर से इन्हें ऐसी कोई सूचना या सांत्वना नहीं मिली जिससे इन्हें यकीन हो सके कि इनका बेटा दुबई से वापस आएगा। बता दें आपको, इनका बेटा विशाल सिंह एक और लड़की कानपुर देहात की रहने वाली है, उसके साथ नौकरी करने दुबई में गए थे। दुबई में हैदराबाद के एक और युवक के साथ इन्हें एक कमरे में रखा गया और तीन महीनों के सैलरी स्लिप के आधार पर इनका एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। इसके बाद विशाल सिंह और लड़की और एक और मजदूर के साथ होता है बड़ा कांड, जिसपे इनके कार्ड से 3 लाख ग्रहण का लोन निकाल लिया जाता है, वहीं अब यह देश से बाहर नहीं आ सकते। इस बीच संजय सिंह उर्फ भीषम दाता ने कई बार बड़े अधिकारियों से गुहार लगाई है, उनका दरवाज़ा भी खटखटाया है, लेकिन अभी तक इन्हें सांत्वना नहीं मिली। इस बीच आपको बता दें कि भीषम दादा और संजय सिंह उर्फ भीषम दादा लगातार सरकार और अधिकारियों के दरवाजे पर माथा टेक रहे हैं, लेकिन एक बार भी अपने बेटे का वो चेहरा नहीं देख पा रहे हैं जिससे इनके कलेजे को ठंडक मिल जाए। लेकिन इस बीच इनकी पत्नी की भी हालत ख़राब हो गई है और अब वह दर दर भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। किसी तरह से मेरे बच्चे को इंडिया में ला दें, और माननीय AK शर्मा मंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ, सिफारिश की हमारे बच्चे को किसी तरह से ला दें, क्योंकि उसकी माँ की बड़ी हालत ख़राब है, बहुत दुखी थे, उम्र की बच्ची है, उसके 2 बच्चे हैं, उस बच्चों को लेकर वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी थे और पूरे लोग रो रो के बुरे हाल में पड़े हैं। अब किससे किससे मिले? मैं DM साहब से मिला, 2 बार उनको भेज दिया, कंप्लेन किया, और SDM साहब भी मिले, उनको भी मैं तो लोगों ने संबोधित किया कि ठीक है आपके लिए काम होगा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं दौड़ता हूँ, तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूँगा कि किसी तरह से मेरे बच्चे को इंडिया ला दें,